हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूं कच्चे केले के कोफ्ते। ये जो कोफ्ते की सब्जी है ये यूपी और बिहार में बहुत ही फेमस है और ये रेसिपी मैंने अपनी मम्मी से सीखी है। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें, यकीनन आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो चलिए आज इस कोफ्ते की रेसिपी को शुरू करते हैं। कच्चे केले का कोफ्ता बनाने के लिए हमें चाहिए 3 कच्चे केले और 2 आलू। ये हमने पहले से दोनों को उबाल के रखा है। कुकर में 3 विसल में इसे उबाल लें। जीरा 1 छोटा चम्मच, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 10 से 12 लहसुन की कलियां, 3 बड़े प्याज बारीक कटे हुए, बेसन 3 बड़े चम्मच, टमाटो प्योरी आधा कप, हींग चाहिए 2 पिंच, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 छोटा चम्मच, गरम मसाला आधी छोटी चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ गार्निश के लिए, कुकिंग ऑयल, पानी और फ्रेश क्रीम। ये इजीली किसी भी ग्रोसरी शॉप में मिलेगा आपको। कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम ये आलू और उबले हुए केले को घिस लेंगे। आप चाहे तो इसे अच्छी तरह मैश भी कर सकते हैं। घिसने का फ़ायदा ये रहता है कि उसमें लम्प्स नहीं आते हैं। ये देखिए, ये मैंने आलू और केले को घिस लिया अच्छी तरह। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। हमने 3 प्याज काटा है लेकिन इस कोफ्ते में हम सिर्फ 1 ही प्याज डालेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे बेसन। बेसन आप डालें 3 चम्मच। फिर इसमें डालें बारीक कटी हुई हरी मिर्च और हल्दी थोड़ा सा। फिर डालें अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर नमक स्वाद अनुसार मिला के इसे अच्छी तरह मैश कर लें। इसे अच्छी तरह मैश करें ताकि सारी जितनी अदरक लहसुन का पेस्ट या नमक वगैरह है वो सब अच्छी तरह उबले हुए आलू और उसमें केले में मिल जाए। आप इसे हाथ से भी अच्छी तरह मैश कर सकते हैं। ये देखिए, ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब हमें जो कोफ्ते के लिए पकौड़े बनाने हैं ये उसका बेस तैयार हो चुका है। ये देखिए, कोफ्ते को तलने के लिए हम गैस ऑन करेंगे और उस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई को गर्म होने देंगे, फिर हम उसमें डालेंगे तेल। ये हमने तेल डाल दिया है, अब तेल को गर्म कर लेंगे। फिर जो हमने बेस बना के रखा है उसे हम गोल गोल बना के बॉल साइज के और उसमें तेल में फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने एक साइज के बॉल बना के तेल में डाल दिया है। अब इसे आप धीमी आंच पे फ्राई करें। बीच बीच में आप उसे पलटते रहें ताकि जो कोफ्ते हैं वो भीतर से भी पक जाए। आप इसे तब तक फ्राई करें जब तक कि ये गोल्डन यानी सुनहरा ना हो जाए। ये देखिए, अब हमने फिर उसे पलट दिया है। अगर आप इसे ज्यादा तेज गैस पे फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन भीतर से नहीं पकेंगे। ये देखिए, ये ऐसे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब आप इसे किचन टॉवल पे निकाल लें ताकि जो इसके भीतर एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। ये हमने कोफ्ते को निकाल लिया किचन टॉवल पे। ये देखिए, अब बाकी बचे जो कोफ्ते के बेस हैं उसको भी हम सेम प्रोसेस से फ्राई कर लेंगे। आप इसे पलटते रहें। ये देखिए, अब ये हमने सारे कोफ्ते को फ्राई कर लिया है। आप इसे भी निकाल लें और ये हमारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं ग्रेवी में डालने के लिए।
मसाला बनाने के लिए हम गैस ऑन करेंगे और इस पर एक फ्राइंग पैन चढ़ाएंगे। पैन को गर्म होने देंगे, फिर हम उसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तेल को गर्म कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा, छिला हुआ लहसुन और बारीक कटे हुए अदरक। इन तीनों को हम कम से कम 30 सेकंड के लिए भूनेंगे। अब ये लहसुन थोड़ा सा पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज। हमने 3 प्याज काटा था, 1 प्याज हमने कोफ्ते में यूज़ किया है, बाकी 2 कटे हुए प्याज इसमें डालेंगे। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे मीडियम हीट पे। ये देखिए, ये प्याज ब्राउन हो चुका है। अब हम गैस को बंद करके इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। प्याज ठंडा होने के बाद फिर हम इसे ब्लेंडिंग जार में डालेंगे। और इसका एक थिक पेस्ट बनाएंगे। ये जार में हमने प्याज को डाल दिया है। जार का ढक्कन बंद करके आप इसे ग्राइंड कर लें। थोड़ा सा ग्राइंड करने के बाद हम इसे ओपन करेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे अगर ज़रूरत लगे तो। ये हमारा मसाला पेस्ट तैयार हो गया। कोफ्ते की करी बनाने के लिए हम गैस ऑन करेंगे और उस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई को गर्म होने देंगे, फिर हम उसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच तेल। तेल को गर्म कर लेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे हींग और जीरा। जीरा को थोड़ा पका लेंगे, फिर हम उसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर को तेल में डालने से जो ग्रेवी का कलर है वो बहुत अच्छा आता है। फिर डालें हल्दी पाउडर और इन दोनों को हम थोड़ा सा पका लेंगे। अब इसमें डालें जो ये हमने मसाला पीस के रखा है प्याज, इसे डाल दें। अब इसे हम फ्राई करेंगे, मसाले को पका लेंगे। ये देखिए, ये जो जार में बचे हुए मसाले हैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसे फेंट के आप ग्रेवी में डाल दें। अब इस मसाले को हम तब तक भुनेंगे जब तक कि मसालों से तेल अलग ना हो जाए। फिर डालें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और उसे चलाते रहें। गैस का हीट पूरा फुल ना रखें, उसे मीडियम या लो पे फ्राई करें। ये देखिए, अब ये मसाला पक चुका है और ये तेल भी साइड से निकल चुका है मसालों से। अब हम इसमें डालेंगे टमाटो प्योरी। आप चाहे तो बारीक कटे हुए टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्योरी से उसका जो ग्रेवी का थिकनेस है और कलर है वो बहुत अच्छा दिखेगा। ये हमने टमाटर प्योरी डाल दिया है। अब इसे ऐसे मिक्स करते रहे। इसे कम से कम 2 से 3 मिनट और पकाएं। ये देखिए, जो टमाटर प्योरी है उसका जो कच्चापन है वो निकल जाना चाहिए। अब ये पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 ग्लास पानी। पानी डालने के बाद हम स्पून से उसे मसाले में अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब हम उसे उबलने के लिए वेट करेंगे। ये उबल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। याद रखिए, हमने कोफ्ते में भी नमक डाला है, इसीलिए नमक का यूज़ हम यहाँ कम करेंगे। नमक डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे और फिर उबलने देंगे। फिर इसमें डालें गरम मसाला पाउडर और उसे स्पून से मिक्स कर दें। गैस का फ्लेम कम कर दें और उसे धीमी आंच पे 3 से 4 मिनट और पकाएं। ग्रेवी को थोड़ा थिक कर लें। ये देखिए, अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम। क्रीम डालने के बाद उसे अच्छी तरह मिक्स कर दें। ये देखिए, ये ग्रेवी का कलर एकदम चेंज हो गया है और ये बहुत ही रिच दिख रहा है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। गैस बंद होने के बाद हम उसमें डालेंगे ये कोफ्ते जो हमने बना के रखे हैं। अगर आप गर्म यानी उबलते हुए ग्रेवी में इस कोफ्ते को डालेंगे तो ये टुकड़ों में हो जाएंगे, इसीलिए आप इसे हमेशा गैस बंद करने के बाद डालें।
ये हमने सारे कोफ्ते डाल दिए हैं। अब आप इसे धनिया पत्ता से और क्रीम से गार्निश कर लें। ये देखिए हमने धनिया पत्ता छिड़क दिया इसके ऊपर। अब उस पर आप क्रीम डालें। ये देखिए ये डिलीशियस कच्चे केले की कोफ्ते करी तैयार हो गई है। ये देखिए सर्व करने के लिए आप इसे एक प्लेट में निकाल लें और ऐसे ही धनिया पत्ता और क्रीम डाल के सर्व करें रोटी राइस नान कुलचे के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।